हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तु वाला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर इन 10th हाउस। तो इसके पहले हमने बात की जुपिटर इन 1 to 9 हाउस, हमने सब हाउसेस क्लियर कर दिए हैं, कवर कर लिए हैं, इसके वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पिछले वीडियो में ये सीरीज में जाकर देखिए, ऑल प्लैनेट्स वाली सीरीज नाम का, ये सीरीज का नाम है ऑल प्लैनेट्स। और हमने जुपिटर के अलावा राहु की सीरीज भी बना दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सीरीज में, ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टोम्स एंड वास्तु सिम्टोम्स। तो वास्तु सिम्टोम्स समझने के लिए आपका बेस क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में, विराज वास्तु वाला, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर लर्न वास्तु स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर पार्ट वन एंड पार्ट टू, ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो आपको मैं जो भी सिम्टोम्स बताऊंगा वो सारे सिम्टोम्स आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पहले मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, विराजवास्तुवाला.com। यहाँ पर मैंने बहुत सारी केस स्टडी दी है, उसके बाद ही मेरे साथ ज्वाइन हुए। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astrosec.com, यहाँ पर आपकी कुंडली फ्री में बन जाएगी। तो आज का टॉपिक है जुपिटर इन 10th हाउस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जुपिटर है वो 10th हाउस में है। अगर आपका जुपिटर है वो यहाँ पर ये घर में है तो आपका जुपिटर है वो 10th हाउस में कहलाएगा। जो भी लोग नए हैं उसको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो जुपिटर है वो 6th हाउस में है, तो ये 10th हाउस क्यों बता रहा है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा होगा, ये पहला घर ही कंसिडर करेंगे, ये दूसरा घर। तो पहले घर में धन राशि, दूसरे घर में मकर राशि, तीसरे घर में कुंभ राशि, ऐसे ये नंबर होते हैं उसको राशि कहते हैं। तो यहाँ पर ये जुपिटर है वो कन्या राशि का 10th हाउस में है, ऐसा कहा जाएगा। तो इसके क्या सिम्टोम्स रहते हैं, जिसका भी जुपिटर 10th हाउस में रहता है तो वो व्यक्ति का करियर है वो अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जुपिटर तो अच्छा प्लेनेट है तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, पर यहाँ पर जुपिटर होता है तो वो लोगों का करियर है वो अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये 10th हाउस है वो शनि का घर होता है, शनि यानी कर्म और जुपिटर यानी धर्म। तो ये कर्म की जगह ये व्यक्ति है वो धर्म की बातें करता है, धर्म की चीजें करता है। तो ऐसे लोग आपको दूसरे की शॉप पर बैठे मिलेंगे, दूसरों के धंधे पर वहां पर जाकर बैठते हैं और बातें चीतें करते हैं और खुद का कुछ काम नहीं करते। मतलब इन लोगों का करियर है वो ठीक नहीं होता है, ये लोग करियर चैलेंजेस हमेशा फेस करते रहते हैं। दूसरा सिम्टोम ये है, अगर आपका जुपिटर है वो 10th हाउस में है तो इन लोगों को इनके फादर की प्रॉपर्टी अगर मिलती है, नॉर्मली इन लोगों को इनके फादर की प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, इनके फादर के पास पैसे होते हैं तो खलास हो जाते हैं, या इनके फादर इन लोगों को प्रॉपर्टी देते नहीं, अगर मिल भी जाए बाई चांस तो वो प्रॉपर्टी इन लोगों को फलेगी नहीं। अगर फादर की प्रॉपर्टी इनके पास है या फादर ने इन लोगों को प्रॉपर्टी दी है तो ये वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह से वो उनके हाथ से निकल जाएगी, कुछ ना कुछ खर्चे से वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, फादर की प्रॉपर्टी इन लोगों को फलेगी नहीं। और जुपिटर अगर 10th हाउस में है तो इन लोगों को ये बर्थ में, ये जन्मों में मंदिर से हमेशा दूरी बनानी चाहिए। अगर ये लोग ज़्यादा पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो ये लोगों को हमेशा फाइनेंशियल चैलेंजेस रहती हैं। तो आपको, अगर आपका जुपिटर है वो 10th हाउस में है तो आपको ये बर्थ में मंदिर में जाना ही नहीं है। तो ये हमने बात की एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टोम्स, अब हम बात करेंगे वास्तु के सिम्टोम्स। तो यहाँ पर ये 10th हाउस है, ये वास्तु में वेस्ट डायरेक्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है और जब भी वास्तु करते हैं तो घर के सेंटर से करते हैं, तो ये मैंने सेंटर निकाल लिया। अगर आपने मेरी चैनल वो वास्तु वाली सीरीज नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंपास रखकर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्शन निकाल ली, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब जुपिटर है वो वेस्ट डायरेक्शन में है 10th हाउस में, तो ये डायरेक्शन में घर के सेंटर से ये डायरेक्शन में यहाँ पर मंदिर होगा, यहाँ पर या तो मंदिर नहीं है तो बड़ा बेड होगा, या तो वहाँ पर बड़ी विंडो होगी जहाँ पर फ्रेश एयर आती होगी, या तो यहाँ पर कोई भगवान की फोटो हो सकती है, येलो कलर हो सकता है। तो जुपिटर है वो 10th हाउस में कहलाएगा, ये सारे सिम्टोम्स आपको मिलेंगे। तो जो भी मैंने सिम्टोम्स आपको बताए वो आपकी कुंडली से, आपके वास्तु में या तो आपके ऊपर लग रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सिम्टोम्स, ये टेक्निक मेरे ऊपर वर्क कर रही है, तो इसके ऊपर इसकी रेमेडी भी होती है, तो इसकी रेमेडी की बात भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें, विराजवास्तुवाला.com। थैंक यू।